अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं एनी। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी में आप सबको वेलकम कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब भी खैरियत से होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैदे की बीमारियां ख़त्म करने के लिए सौंफ से इसका इलाज किस तरह से किया जाता है। अगर मैदा तंदुरुस्त हो तो सेहत तवाना रहती है, चेहरे पर शादाबी आती है और चेहरा भी बहुत खूबसूरत लगता है। चलते हैं शुरू करते हैं अपनी ज़बरदस्ती वीडियो को। अगर आप इस चैनल के साथ अभी तक कनेक्ट नहीं हुए तो हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए नीचे लाल सब्सक्राइब वाले बटन को लाजमी प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप फ्रेंड्स तक पहुंच सके। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी ज़बरदस्ती वीडियो को। सौंफ मैदे को दुरुस्त करने और इसको ताकतवर बनाने के लिए लाजवाब चीज़ है। इससे मैदे की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। सौंफ को ज़रा सा कूट कर रखें ताकि इसका छिलका उतर जाए और इसके चावल निकल आएँ। पानी के साथ इस्तेमाल करने से मैदे की गर्मी ख़त्म हो जाती है। सौंफ 20 तोला 5 तोला काला नमक दोनों को बारीक पीस कर रख लें। दिन में 2 बार इस्तेमाल करने से बदहजमी ख़त्म होती है, भूख ज़्यादा लगती है और अगर डकार आ रही हों तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। सौंफ के इस्तेमाल को बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5 तोला सौंफ को 15 तोला गुलकंद में मिला दें। सुबह शाम खूब चबा कर खाएँ, मैदे की तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बदहजमी दूर करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। 1 माशा सौंफ और 1 माशा पुदीना 3 माशा सूंठ का पानी मिलाकर इस्तेमाल करने से बदहजमी दूर हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कब्ज़ ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से भी कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। कब्ज़ तमाम बीमारियों की माँ है, इसे दूर करने के लिए सौंफ बहुत उम्दा चीज़ है। 10 तोला सौंफ को 10 तोला शक्कर में बारीक पीस कर मला लें और 2 तोला खुराक गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करने से कब्ज़ फौरन ख़त्म हो जाएगी। खांसी ख़त्म करने के लिए भी सौंफ का इस्तेमाल किया जाता है। खांसी ख़त्म करने के लिए 1 तोला सौंफ 1 लीटर पानी में जोश दें। इसमें 1 तोला शहद मिलाकर पीने से हर किस्म की खांसी ख़त्म हो जाती है। अगर शहद दस्तियाब ना हो तो इसमें नमक मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ से दिमाग की बीमारी को यूज़ करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दिमाग की कमज़ोरी दूर करने के लिए सौंफ बहुत मुफीद है। 6 माशा सौंफ और 6 माशा मिश्री दोनों को बारीक पीस कर सफूफ बना लें। इसमें 7 अदद बादाम कूट कर मला लें। रात को सोने से कबल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। 40 दिन तक इसका इस्तेमाल करें। दिमाग इतना ताकतवर हो जाएगा कि कोई भी बात आप भूल नहीं पाएंगे। स्टूडेंट, वकला, डॉक्टर्स और दिमागी काम करने वालों के लिए ये नुस्खा बहुत ही लाजवाब है। फ्रेंड्स, दिमाग की गर्मी दूर करने के लिए अगर हम सौंफ को किस तरीके से इस्तेमाल करें कि गर्मी के मौसम में दिमाग ठंडा रहे और हमारी तबीयत भी फ्रेश रहे। अगर दिमाग में गर्मी हो और आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता हो तो 6 माशा सौंफ 7 अदद बादाम 3 अदद छोटी इलायची पीसकर आधा किलो दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल करने से दिमाग के तमाम अमराज दूर हो जाते हैं। पेट में दर्द हो रही हो तो इसका इलाज सौंफ के ज़रिए कैसे किया जाता है। सौंफ 12 ग्राम, अजवाइन 12 ग्राम, काला नमक 6 ग्राम साफ करके बारीक पीस लें और खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से मैदा दुरुस्त हो जाएगा, भूख बढ़ेगी और खाना भी जल्द हजम हो जाएगा। नज़र की कमज़ोरी को दूर करने के लिए सौंफ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ, बादाम, मिश्री हम वज़न पीस कर 1-1 चमचा सफूफ दूध के साथ सुबह शाम इस्तेमाल करें। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए फ़ायदेमंद है। सर दर्द और चक्कर के लिए, अगर आपका सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और आपको चक्कर आ रहे हैं, 1 ग्राम सौंफ को 1/2 गिलास पानी में खूब घोट लें।
इसमें शक्कर और सफ़ेद मिर्च का सफ़ूफ शामिल करके सुबह शाम पिए। इससे सर के दर्द और चक्कर में अफाका होगा। सीने और मैदे की जलन को दूर करने के लिए हम सौंफ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज ये वीडियो स्किप करने के लिए नहीं है। इसमें आपके बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ें हम बताने जा रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से जितनी तमाम बीमारियों का इलाज बताया गया है इनसे आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। सीने और मैदे की जलन के लिए सौंफ 12 ग्राम, इलायची सब्ज 12 ग्राम, पुदीना 6 ग्राम, तमाम को बारीक पीस कर 2 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। पेट की जलन, मैदे की गैस और ग़िज़ा को हज़म करने में बहुत मुफीद साबित होगी। दिल के लिए फ़र्त बख्श सौंफ 5 ग्राम, इलायची सब्ज 3 अदद, सूंड 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, खुनजान 2 ग्राम, तमाम दवा को चाय के कावा की तरह इस्तेमाल करके सुबह शाम पिए। ये दिल को कुव्वत बख्श देगा और आपको बहुत ही फर्क महसूस होगी। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और इन फ्रेंड्स तक लाजमी पहुँचाएँ जिनको इन मसाइल में से अगर एक भी मसला है तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से वो तमाम किस्म के मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे को ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।